एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के ताजा मौसम समाचार में। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या है मौसम विभाग की चेतावनी। चलिए जानते खबर को विस्तार से, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी पड़ रही है, यहाँ सर्द हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना भी बेहद मुश्किल रहा है। वहीं घना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और धूप बेअसर हो रही है। ऐसे में मौसम में ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पारा लुढ़कने से कई शहरों में कोल्ड डे की स्थिति बन रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अब फिर अगले 24 से 36 घंटे कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि बादल छटने के बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी, लोगों को गलन का एहसास होगा। फिर देश के अधिकांश इलाकों में मौसम अगले 3 दिनों तक खराब रहने को लेकर दावा किया गया है। हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद कुछ इलाकों में लगातार बारिश होने की भी उम्मीद जताई गई है। लखनऊ में बादलों का असर देखने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद हवा तेज होने के कारण बादलों का असर कुछ कम होगा। दोपहर तक हल्की धूप भी आ सकती है, लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। देश में एक्टिव होने वाला पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यूपी के कई इलाकों में अब फिर लगातार बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। अगर बात करें कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यहां अगले 24 से 36 घंटे लगातार कोल्ड डे रहने और शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है। यहां पर हवाओं की रफ्तार भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठिठुरन बढ़ जाएगी। इस बीच मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही है कि मौसम विभाग का दावा है कि पश्चिमी और पूर्वी यूपी में घना कोहरा और बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिलेगी, जो कुछ जगहों पर ठंड से अत्यंत ठंडा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर जिले में शीत दिवस रहने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाजापुर और उसके आसपास के इलाकों में शीत दिन होने की भी संभावना है। वहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और इसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा पड़ने की भी संभावना है। वहीं अगर बात करें कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है तो आपको बता दें इसके अलावा कई शहरों में मौसम विभाग ने कोहरे और हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बागपत, मेरठ, रामपुर, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, महाराजगंज समेत कई अन्य इलाकों में मौसम विभाग ने आसमान में लगातार काले घने बादल छाए रहने और लगातार घना कोहरा और बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। वीडियो के अंत में आपको बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी इलाके जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा तरीन ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।